हेलो दोस्तों, फाइनली बजाज ने पल्सर की न्यू अवतार को आज लॉन्च कर दिया है। आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग हैं जो बजाज पल्सर के फ़ैन हैं, काफ़ी दीवाने हैं, बट काफ़ी लंबे टाइम से बजाज पल्सर में कुछ बड़ा चेंज नहीं किया गया था। सब सिर्फ छोटे मोटे चेंज किए जा रहे थे, कलर और स्टिकर ग्राफिक्स ऐसा ही चेंज आपको देखने को मिलता था, जो कि बजाज पल्सर 20 साल के बाद अब एक नए अवतार में आपको देखने को मिलने वाली है। और अभी जो मैं बताऊं, इसमें दो मॉडल लॉन्च किया है कंपनी ने, बजाज पल्सर F250 और एक है NS250। तो इसमें आपको क्या कुछ मिलने वाला है उसके बारे में हम इस वीडियो में पूरे डिटेल्स में बात करने वाले हैं। कितने का आपको पेट्रोल टैंक कैपेसिटी मिलेगा, प्राइस क्या होगा, कौन कौन से वेरियंट है, कलर क्या आपको मिलने वाले, सारा कुछ इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फीचर के बारे में बात करने से पहले अगर आप हम इसके लुक को देखें तो ये पुराने वाले मॉडल की हमें याद दिलाता है, बट पुराने वाले मॉडल और नए वाले मॉडल में भी आपको कुछ चेंज देखने को मिलेंगे। मतलब इसमें ऐसा रखा गया है कि पुराने लुक जिनको पसंद है वो भी इस बाइक को ले सकते हैं, और नए वाले बंदे जो हैं वो भी लेना चाहते हैं तो इस बाइक को ले सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे कंपनी ने दो मॉडल लॉन्च किया, F250, जैसे आप जिनको फेयरिंग वाला बाइक पसंद है वो F250 ले सकते हैं, एफ मतलब हो गया फेयरिंग वाला, तो ये आप ले सकते हैं, और जिनको नेकेड बाइक पसंद है जैसे NS250 उसको भी आप ले सकते हैं नेकेड स्ट्रीट। तो ये चीज़ दोनों में क्या आपको पावर देखने को मिलने वाला है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। बजाज की ऑल न्यू पल्सर F250 और NS250 में आपको दोनों में सेम इंजन और सेम पावर देखने को मिलता है। इसमें आपको 249.07 cc का सिंगल सिलेंडर वाला 4-स्ट्रोक SOSC 2-वेल्व ऑयल कूल्ड FI इंजन देखने को मिल जाता है। अगर इन दोनों बाइकों के पावर के बारे में बात करें तो 8750 RPM पे 24.5 PS का पावर मिल जाता है, और वहीं टॉर्क के बारे में बात करें तो 6500 RPM पे इसमें आपको 21.5 Nm का पीक टॉर्क देखने को मिल जाता है। साथ ही इसमें आपको 5-स्पीड गियरबॉक्स देखने को मिल जाता है। पेट्रोल टैंक आपको 14 लीटर का इसमें देखने को मिलेगा, और वहीं इसके व्हील बेस के बारे में बात करें तो 1351 mm का आपको व्हील बेस देखने को मिल जाता है। सीट हाइट के बारे में बात करें तो 795 mm का इसका सीट हाइट है, जो लगभग 5 फुट 5 इंच के जो है उनको काफ़ी कंफर्टेबल ये फील होने वाला है राइडिंग करते टाइम। वहीं ग्राउंड क्लियरेंस आपको इसमें 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है, जो कि ठीक ठाक है स्पोर्ट्स बाइक और फेयरिंग बाइक के हिसाब से। वहीं ऑल न्यू बजाज पल्सर 250 के दोनों मॉडल में आपको सिंगल चैनल ABS देखने को मिलता है, जो कि फ्रंट में 300 mm का डिस्क ब्रेक दिया गया है, रियर में 230 mm का डिस्क ब्रेक दिया गया है। फ्रंट में आपको सिंगल चैनल ABS देखने को मिल जाता है। वहीं अगर इसके टायर के बारे में बात करें तो फ्रंट में आपको 100x80/17 सेक्शन के ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाते हैं, रियर में 130x70/17 सेक्शन के आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाते हैं। सस्पेंशन के बारे में बात करें तो दोनों मॉडल के फ्रंट में आपको 37 mm का टेलीस्कोपिक फोर्स सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। वहीं अगर इन दोनों बाइकों के कलर के बारे में बात करें तो F250 में आपको दो कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं एक रेड कलर, और सेकंड साइड में अगर आप राइट साइड में देखें तो एक ग्रे कलर का आपको कलर देखने को मिल जाता है। तो F250 में आपको दो कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। वहीं NS250 में आपको सिंगल कलर ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि है ग्रे कलर, तो इसमें आपको एक कलर ऑप्शन देखने को मिलेगा, और F250 में आपको दो कलर ऑप्शन देखने को मिलता है। कुछ और फीचर्स के बारे में बात करें तो इस बाइक में आपको अब USB चार्जिंग पॉइंट देखने को मिल जाता है, जिससे आप राइड करते समय भी अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। साथ ही इसमें आपको BI फंक्शनल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल जाता है, और पोजीशन लैम्प भी देखने को मिल जाता है। साथ ही ऑल न्यू बजाज पल्सर 250 के दोनों मॉडल में सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको गियर इंडिकेटर, क्लॉक, फ्यूल एफिशिएंसी और रेंज इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है, और भी काफ़ी सारे डिटेल्स आपको इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में देखने को मिल जाता है। वहीं अब इनके प्राइसिंग के बारे में बात करें तो पल्सर F250 का एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली का है 1,40,000 रुपये, और पल्सर N250 का एक्स शोरूम प्राइस है दिल्ली का 1,38,000 रुपये। 2,000 रुपये N250 का प्राइस कम है F250 से, क्योंकि ये नेकेड बाइक है और ये फेयरिंग बाइक है, इसलिए इसका 1,40,000 रुपये लगा है, 2,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको लग रहा है। तो ये थे इसके प्राइसिंग के बारे में। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको इन दोनों मॉडल में से किसका लुक सबसे अच्छा लग रहा है। यहाँ पर अगर आप N250 का लुक देखें तो थोड़ा सा आपको MT का याद दिलाएगा, आपको लग सकता है कि ये कॉपी है, बट थोड़ा बहुत इसमें चेंज रखा गया है, थोड़ा सा मोटाई को इसमें बढ़ाया गया है। बाकी ये बाइक देखने में आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके बताएं, और जब भी ये शोरूम पे आती है तो मैं इसका वर्क अराउंड वीडियो आपको जल्दी ही दिखाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए राइड विद बाइक।